हाय किड्स, हाय सर। देखो दो लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। कुछ दो लोग कौन है? एक तुलसी है और एक दूसरे तुलसी के पति, हस्बैंड। आई सॉ दिस इन द न्यूज़पेपर। गवर्नमेंट्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स हैव सेड दैट द फार्म वर्कर्स शुडंट बी पेड लेस देन दिस सैलरी फॉर अ डेज वर्क। वो दोनों क्या बात कर रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि हमने न्यूज़पेपर में कहीं देखा है, तुलसी के पति बोल रहे हैं कि मैंने न्यूज़पेपर में कहीं देखा है कि जो डिफरेंट जो स्टेट्स हैं, हम कौन से स्टेट में हैं? उत्तराखंड में। अब ऐसे ही कुछ और स्टेट्स हैं जहां पर कि उन्होंने बोला है कि कम से कम इतने पैसे तो एक फार्म वर्कर को मिलने ही चाहिए। जैसे वहां कितने मिल रहे थे? तुलसी को कितने मिल रहे थे? कम से कम कितने मिलने चाहिए थे वहां? 71। अब देखो हरियाणा सरकार ने बोला है कि हरियाणा में कितने मिलने चाहिए? कम से कम 135। हरियाणा की कैपिटल कहाँ है? चंडीगढ़। राजस्थान की? जयपुर। राजस्थान में कितने मिलने चाहिए? 73। मध्य प्रदेश की कहाँ है कैपिटल? भोपाल। भोपाल में कितने मिलने चाहिए? 97। उड़ीसा की कहाँ है? उड़ीसा में कितने मिलने चाहिए? 75। ओके, अब देखो ये द टेबल शोज द अमाउंट्स फिक्स्ड बाय फोर स्टेट्स फॉर फार्म वर्क। विच स्टेट हैज फिक्स्ड द हाईएस्ट अमाउंट, विच स्टेट हैज फिक्स्ड द लोएस्ट। अब वो पूछ रहे हैं कि ये जो टेबल बना हुआ है, इस टेबल में सबसे ज्यादा जो अमाउंट है वो किसने फिक्स किया है? हरियाणा। वेरी गुड। कौन से स्टेट ने? हरियाणा। और सबसे कम? राजस्थान। ठीक हो गया सर। अब वो बोल रहे हैं भैरव सिंह इज अ वर्कर इन राजस्थान। भैरव सिंह है कोई आदमी जो कि राजस्थान में क्या काम, एक काम करता है, मजदूरी का काम करता है। ठीक है, इफ ही वर्क्स फॉर 8 वीक्स ऑन द फार्म हाउ मच विल ही अर्न। अगर जो भैरव सिंह है वो 8 वीक्स तक काम करता है किसी फार्म में, मतलब किसी खेत में, तो कितने पैसे कमाएगा वो? क्या करना होगा इसके लिए हमें? किसको किससे गुणा करें? बताओ। 8 7 जा 63। 8 7 कितना होता है? 56। 56 को किससे गुणा करना है? 73। ठीक है, कर लोगे? नीलम इज अ वर्कर इन हरियाणा। नीलम कहाँ काम करती है? हरियाणा में। और इफ सी वर्क्स फॉर 2.5 मंथ्स इन द फार्म हाउ मच विल सी अर्न। अब तुमको ये बताना है कि 2.5 महीने में पहले हमको दिन निकालने पड़ेंगे। 2.5 महीने में कितने दिन होते हैं? 2 महीने में, 2 और आधा महीने में? 75। वेरी गुड, 75। 30 60 और आधा दिन के, आधा महीने के 15 दिन। 75 को हम किससे गुणा करना पड़ेगा हरियाणा के लिए? 135। ठीक है, अब हमारा चौथा क्वेश्चन, हाउ मच मोर विल अ फार्म वर्कर इन मध्य प्रदेश गेट देन अ वर्कर इन उड़ीसा आफ्टर वर्किंग फॉर 9 वीक्स। अब देखो कोई आदमी 9 हफ्ते तक काम करता है तो 9 हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 63। अब देखो 63 डेज अगर आदमी मध्य प्रदेश में काम करता है तो उसे कितने पैसे मिलेंगे? किससे गुणा करना पड़ेगा मध्य प्रदेश के लिए? 97 से। और राजस्थान के लिए? 73। अब मुझे आप ये बताओ इन दोनों को देख के कि मध्य प्रदेश वाले को ज्यादा मिलनी चाहिए कि राजस्थान वाले को? मध्य प्रदेश। सिंपल है, मध्य प्रदेश वाले को, क्योंकि मध्य प्रदेश में सैलरी क्या है? 97 ज्यादा है। तो अब आपको क्या करना है इस डिफरेंस को निकालने के लिए? पहले इसको मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा बताओ? कितना आएगा? कुछ सपोज कर लेते हैं जेड, और यहाँ पर वाई। अब इसका डिफरेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस जेड माइनस वाई, ये आंसर निकलेगा। कर लोगे सर?